देखिए भवानी खेड़ा में बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, बड़ों का आशीर्वाद, अपने युवा साथियों का साथ मिल रहा है और बहुत से लोगों ने आशीर्वाद दिया है। बड़े भाई जितेंद्र नाथ जी ने पार्टी ज्वाइन की, बड़े भाई मनमोहन कुटाल जी ने पार्टी ज्वाइन की, दोनों बड़े भाई मुझे आशीर्वाद दिया। और ये कांग्रेस का बढ़ता कारवा कह रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है और कांग्रेस पार्टी प्रचंड जीत दर्ज करेगी भवानी खेड़ा में। जो यहाँ की समस्या पानी की समस्या है, गाँव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, कई जगह समुदाय केंद्र नहीं है, हर समस्या को सरकार बने, कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी, सारी समस्या को दूर किया जाएगा, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी जीत दर्ज करेगी। आम लोगों से क्या फीडबैक आपको मिल रही समस्याओं को लेकर के और आपकी पार्टी का जो एजेंडा क्या है जो पूरे प्रदेश में आप जो देखिए, हमें साफ है कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि सोशलिस्ट विचारधारा की पार्टी है, जो गरीब का भला चाहती है। तो कांग्रेस पार्टी हमारे मैनिफेस्टो में साफ बातें हैं कि हम 500 रुपये का सिलेंडर, 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, 2000 रुपये महिलाओं को और साथ ही साथ 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। और लोकतंत्र में यह हर व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि जो उसका बकाया लोकतंत्र में सबको मिले, सबको साझा हिस्सा मिले। कांग्रेस पार्टी जन जन को साझा हिस्सा देगी सत्ता के अंदर। जिन लोगों की टिकटें कटी उनकी नाराजगी को आप कहाँ तक दूर कर पाए हैं, उनको साथ ले पाने में कैसे आगे बढ़ पा रहे हैं? सब लोग साथ हैं, सब लोग साथ मिलकर प्रचार कर रहे हैं, पूरे रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, सबका आशीर्वाद मिल रहा है और बड़ी जीत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बड़े भाई रामकिशन फौजी जी ने भी पर्चा अपना विड्रॉ कर लिया था, वो भी साथ हैं, सभी लोग एक साथ खड़े हैं। भवानी खेड़ा में कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी 10 साल बाद। मुझे भवानी खेड़ा की जनता ने गोद ले लिया है, ये कुछ कहते रहे, इतना प्यार, इतना प्यार वही लोग होते हैं देते हैं जो अपना बेटा मान लेते हैं। भवानी खेड़ा ने मुझे अपना बेटा मान लिया है, हर गांव ने मुझे अपना बेटा मान लिया है, हर गांव के साथ वफादारी से काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, हर कार्यकर्ता के साथ खड़े रहेंगे और 10 दिन बाद भवानी खेड़ा में फिर से खुशहाली की शुरुआत होगी, कांग्रेस सरकार की शुरुआत होगी और नया भवानी खेड़ा बनाएंगे। ऐसा भवानी खेड़ा जिसमें खुशहाली होगी, भाईचारा होगा, विकास होगा, सबसे पिछड़े इलाकों में नहीं आएगा। 5 साल बाद भवानी खेड़ा का नक्शा बदल देंगे, हर गाँव में एक विकास होगा, कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा पिछड़ा इलाका है। एक बड़े आशीर्वाद की बात आती है, बड़ा आशीर्वाद क्या है आपके ऊपर? बड़ा आशीर्वाद जनता के लेवल पे बता रहे हैं, बड़ा आशीर्वाद आपको, बड़ा आशीर्वाद जनता का आशीर्वाद, बड़ा आशीर्वाद माताओं का आशीर्वाद, सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद। आज माता जी सबसे पहले आए इस घर में, तो भाई साहब की हमारी माता जी हैं, इसलिए माता जी का आशीर्वाद लिया, तो इनका बड़ा आशीर्वाद, जो मेरे पीछे खड़े सब इनका बड़ा आशीर्वाद, जो युवा साथी खड़े इनका बड़ा आशीर्वाद, इनसे बड़ा किसी का आशीर्वाद नहीं। इनका आशीर्वाद मेरे साथ है, पार्टी का आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं निश्चित हो गया हूँ कि इतना प्यार के बाद इतने भाइयों ने मेरे हाथ मजबूत किए हैं, बाकी पार्टियों से आए हैं, पूरी ताकत से चुनाव जीतेंगे। SYL का पानी का मुद्दे था, चौधरी जगन्नाथ जी लड़ते रहे, उनके घर पे बैठे हैं, उनके सपने को पूरा करेंगे, कांग्रेस पार्टी को आगे लेके जाएंगे और नहीं हर मुद्दे के लिए लड़ेंगे, मुद्दों के लड़ने के लिए आए हैं। विधायक बन के आपका छोटा भाई यहाँ पे सिर्फ विधायक ही करने नहीं आया है या सिर्फ अपने आप को उठाने नहीं आया हूँ, विधायक बन के इलाके की लड़ाई लड़ेंगे, काम करेंगे, पानी की समस्या दूर करेंगे और मेरा भवानी खेड़ा नंबर 1 भवानी खेड़ा बनेगा। अभी कोड़े हमारी सैलजा और हुड्डा जी के बीच में जो तलखियां हैं उसको लेकर के क्या टिप्पणियां? पूरी कांग्रेस पार्टी एक है, भाजपा कुछ फैला ले कुछ फर्क नहीं पड़ता। कल कुमारी सैलजा जी निर्वाणा जारी प्रचार के लिए हमारी सम्मान देता है, राष्ट्रीय महासचिव हैं, हुड्डा साहब हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और मेरा मानना है आने वाले 10 दिन बाद बुढ़ा साहब के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनेगी, एक नई सरकार बनेगी, खुशहाल सरकार बनेगी। धन्यवाद।